आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो थोड़ा सा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अच्छा लगेगा आपको, और इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, इजी भी है। सो आई शो यू कि हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ हरी मिर्च ली हैं जिनको हमने बीच में से काट दी हैं, जिसे आप देख ही रहोगे। पर काटने से पहले इनको अच्छी तरह से वॉश करके और प्रॉपर ड्राई करना जरूरी है। अगर आप उसको ड्राई नहीं करेंगे तो इनका क्या होता है, पानी जो होता है वो रह जाता है, और फिर इससे क्या होता है कि जो अचार है वो स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हम लोग जो मसाले डालेंगे वो यही हैं, जैसे इसमें हमने कुछ धनिया पाउडर और सौंफ, जीरा, मस्टर्ड सीड, मेथी दाना और अजवाइन लिए। इसको हम क्या करेंगे, हल्के स्लो हीट में रोस्ट रोस्ट करेंगे, और उसके बाद मिक्सी में इसको पीस लेंगे और उसका मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के बाद फिर हम उसमें हरी मिर्च में जो हमारी हरी मिर्च ली हुई है उसमें, तो जैसे आप देख रहे हैं हम उसको स्लो हीट में, ज़्यादा हीट नहीं, स्लो हीट में इसको रोस्ट करते रहेंगे ताकि जले भी नहीं और हल्के से भुन जाए, और ताकि हम उसको बाकी बाद में फिर हम उसमें जो हमारे पास कुछ मसाले हैं जैसे कि आमचूर है, हल्दी है और सॉल्ट है, हम बाद में उसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद फिर हम हरी मिर्च में स्टफ कर देंगे, क्योंकि कि हमने इसको रोस्ट कर दिया है, और रोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा प्लेट में रख दें ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर सिर्फ गर्म उसको रोस्ट को अगर मिक्सी में पीसते हैं तो क्या होता है इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहता है, तो इससे बढ़िया है कि ताकि उसको कुछ ठंडा करके फिर इसका पाउडर बना दें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इसका पाउडर बना दिया है, इसमें यह पूरा फाइन नहीं पाउडर बनाना है, सर हल्का रफली करना है, टच छोड़ना है ताकि इजिली इसमें हम अब मसाले में सब कर सकें। तो सारा जितना है आप इसमें सब डाल दीजिए। जब मसाले को पीसें तो ध्यान रखें कि आपका जो मिक्सी जा रहा है वो भी थोड़ा ड्राई रहे, ये गीला नहीं होना चाहिए, और गीला रहेगा तो आपका जो मसाला है वो थोड़ा सा फिर सॉगी हो जाएगा, तो सॉगी रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है फिर इसको स्टफिंग करने में, तो इसलिए इसलिए कि उसको हल्का सा ड्राई रखें। तो जैसा देख रहे हैं कि सारा मसाला ड्राई हो गया, अब मिक्सी हो गया है, अब हम इसमें जो हमारी मिर्च है स्टफ करेंगे। स्टफ करके इसको रख लीजिए साइड में। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमने इसमें सारे मसाले स्टफ कर दिया है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हल्का सा उसमें मस्टर्ड ऑयल लेके थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करना है और हल्का से ऑयल में करना है, ज़्यादा ऑयल लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमें जैसे आप देख रहे हैं हमने ऑयल डाल दिया है, और उसको हल्का सा हीट करके, ज़्यादा हीट नहीं करना ताकि हमको, हम नहीं चाहते कि जो उसके जो मसाले का फ्लेवर है वो ऑयल में रह जाए, तो हल्का आप देख सकते हैं टेम्परेचर ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें जितनी हमारी हरी मिर्च है जो स्टफ की हुई है वो डाल देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने हल्का से हम ऑयल में टॉस कर रहे हैं, हल्का सा हमें पकाना है हल्का सा, और ये हमारा इंस्टेंट झटपट तैयार होने वाला मिर्च का अचार है। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको करने के बाद इज रेडी टू ईट, ये रेडी है ईट के लिए। और इसको अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक चले तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो आज को आप 6 महीने तक खा सकते हैं फ्रिज में रखने में, आप इसको बाहर रखते हैं तो विद इन 1 या 2 मंथ आप इजली इसको आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको से हमारा मसाला बचा हुआ था तो हम लोग उसको क्या करें, हल्का सा ऊपर से ऐड करें ताकि हमें मसाले का प्रॉपर जो फ्लेवर मिलना चाहिए मिर्च में, तो हमने थोड़ा सा मसाला ऊपर डाल दें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो अचार है रेडी है,
उसको भी हमने एक बॉल में रख दिया है, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आपके पास जार होंगे कांच के, तो आप उसमें रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इजली इसको फिर खा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर